यानी रशिया भारत को एक दुनिया की बड़ी अहम ताकत के तौर पर देखता है सर जिस तरह मैंने बात की एक तरफ तो हमने देखा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं और बड़े सरबराहान एक दूसरे के कंट्रीज में जा रहे हैं बल्कि मैं देख रही थी कि मैक्रोन साहब जो है वो वहां पर हमें देखा कि के मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी तस्वीरें नजर आई पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है काफी मुद्दत गुजर गई और आप इसको कैसे देख रहे हैं सर इस सारी सिचुएशन को अब पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो झूठ और गलत बयानी के बहुत बड़े बड़े अंबार लगा के तो उनके ऊपर बैठ के फेंस सिटिंग कर रहा है पहली बात तो ये है ना कि आप झूठ और फैब ये मसलसल के अमल से निकल के तो आवाम के सामने आए और आके तस्लीम करें कि भाई वी हैव ए प्रॉब्लम इंटरनेशनली और वो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मुल्क हमारे साथ किसी तरह का कोई नया माह करने के लिए कोई नई राय देने के लिए कोई नई नगोसिएशन करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है ये न्यूज़ में कोई ऐसी खुफिया बात भी नहीं है चूँकि आपने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं गुजशत तीन सालों के दौरान या उससे भी पहले उनका नतीजा ये है कि दुनिया ने आपके बारे में एक मौकुफ़ बना लिया है मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है आ, वो आल दो के उसके जितने भी मसाइल हों या उसमें जिस तरह की भी कोई गलत या सही हुकूमतें आ जाएं लेकिन उसका स्टिल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जो वेट है एज ए सुपर पावर और जो एक फ़ैसला कन ताकत है वो अब भी बरकरार है उसको बेशक एक चैलेंज दरपेश है लेकिन वो ताकत ख़त्म नहीं हुई है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपको बाबांग दैल बिल्कुल ऐलान करके तो आइसोलेट कर दिया कि हमने आपसे मुलाकात तक नहीं करनी है क्योंकि मुल्कों के दरमियान कोई ताल्लुकात जहाँ सरबरा आप उसमें मुलाकात ना कर सकें और एक दूसरे को वो जो कहते हैं ना आई टू आई ना देख सकें तो जाहिर है फिर वो ताल्लुक नहीं होते उसका मतलब ये है कि आपके दरमियान कोई सख्त किस्म की Uh, मामलात जो हैं वो चल रहे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था लेकिन वो एड्रेस करने के बाद आपने अपने अवाम को ये बताया कि नहीं जी एवरीथिंग इज़ गुड हमारा तो कोई मसला ही नहीं है जी हम तो माशा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और झूठ पे मबनी आदाद व शुमार और इंडिकेटर्स और इशारिए आप दिखा रहे हैं कि हम दो साल में इतना कर लेंगे और पाँच साल में इतना कर लेंगे आ, यानी बिल्कुल ही जो कहते हैं ना अफसाने सना के तो आपाइक पे जो है वो पर्दा डाल रहे हैं और इन फैक्ट आपका जो इंटरनेशनल रोल है वो फेंस सीटिंग है आप जो है वो फैंस पे बैठे हुए वेटिंग फॉर अल्लाह वाली बात है कि पता नहीं किस वक्त कोई मुआवजा हो जाए तो ये दुनिया जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसकी वजह से हमें इससे बचत हो और उसके नतीजे में ज़ाहिर दुनिया की आपको जो मगरबी दुनिया है जिसका बहुत बड़ा असर है आज भी दुनिया की इकानोमी में और पॉलिटिक्स में वो तो जाहिर है अमेरिका को फॉलो करेगा और उन्होंने फॉलो करके आपको इग्नोर कर दिया है अगर अब कहीं से कोई छोटी मोटी खबर आती भी है तो वो आपके अगेंस्ट आती है मसला यूरोपियन यूनियन ने ये जो सियालकोट में वाक्य हुआ इसका सख्ती से नोटिस ले लिया या किसी और मुल्क ने जो है वो कोई फ्रांस ने ये बात कर ली वगैरह वगैरह तो ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम एक बंद गली में फंस गए हैं चूंकि हमने बुनियादी तौर पे जो फॉरन पॉलिसी है वो चीन ओरिएंटेड कर दी है कर दी थी कपल ऑफ अगो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीन के भी मामला जो हैं वो दरमियान में इस कदर बदल गए हैं कि चीन भी आपको उस तरह का सपोर्टिंग हैंड जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो नहीं दे रहा है जो वो दो साल पहले या साल पहले आपको देने के लिए तैयार था जिसकी वजह से आप सफारती सतह पे 100 परसेंट आइसोलेटेड हैं और जिसका आपका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ ना कोई आता है और ना कोई जाता है जाहिर आएगा कोई जो मैंने आपको वजायत कर दी कि किस लिए आएगा तो जाएगा तब जब आपको इन्वाइट किया जाएगा ना तो इनवाइट तो तब आपको किया जाएगा जब आपके एजेंडे जो है वो खुल के लोगों के सामने आएंगे कि भाई आप इस दुनिया में रोल क्या प्ले करना चाहते हैं अगर तो आप जिस तरह मैंने सवाल किया जैसे प्रेसिडेंट वहां पर आए तो साथ ही हमारा कंट्री भी है तो हम क्या ये कर सकते थे कि हम भी उनको दावत देते क्योंकि एक तो आपके एजेंडे पे जो है अगर सबसे बड़ा जो एजेंडा वो इस्लामा फो खिलाफ दुनिया में जंग है या दुनिया में इस्लामी ब्लाक बना के तो बाकी दुनिया को जो है वो बैलेंस करना है या आपका सारा जो फोकस है वो इंडिया है कि हर काम जो हमारा होगा सफारती सतह पे वो इंडिया को सामने रख के होगा तो उसके नतीजे में जाहिर है डेफिनेटली आपको कोई मुल्क इनवाइट नहीं करेगा क्योंकि किसी मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं बनती कि वो पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क को जो कि दुनिया में एक लाइबिलिटी समझी जाती है पाकिस्तान दुनिया में एसेट नहीं समझा जाता कि उसको लोग अप्रोच करें कि हम इससे फायदा उठाएंगे पाकिस्तान को दुनिया में लाइबलिटी समझा जाता है और अगर आप किसी मुल्क में दौरे की बात करते हैं तो उनको पहले जो है वो कान खड़े हो जाते हैं कि अब ये हमसे कुछ पैसे मांगेंगे ये तो कोई खुशखबरी नहीं आती ना कि आप कुछ लेके जा रहे हैं तो इस सिलसिले में आपको कोई इनवाइट नहीं करता तो आप दौरा नहीं कर सकते इसलिए आप आइसोलेटेड हैं ये बात हुई आपकी आने जाने की कि ना यहां कोई आता है ना कोई जाता है ये बड़ी सैड और बहुत ही उदास कर देने वाली बात है लेकिन ये बात हकीकत है और जब तक हुक्मरान तबकात इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते ये मजीद जो है वो दल दल में फंसते चले जाएंगे रासवाल पोर्टीन का इंडिया का दौरा तो यही बात तो मैं कर रहा हूं कि अब ये आउट ऑफ ब्लू जो है वो कोई प्रोटीन इतने बड़े ताकतवर मुल्क का इस वक्त जो है सरबरा के तौर पे वो ऐसे नहीं है कि ऐसे आ गया या आके उसने 28 माहे या 30 माहे या जितने भी हैं वो साइन कर लिए इसके पीछे जाहिर है कि एक पूरा तसलसल तो है इंडिया की खारजा पॉलिसी का और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया जो है वो जाहिर है चैरिटी लेके तो इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं जाती है उसमें ले और दे जिसको लो और दो की बुनियाद पे जिसको आप कहते हैं अब अगर रूस ने ये सारे मायदे साइन किए हैं तो उसके बदले में उनको पता है कि इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है और इंडिया की जो एक ग्रोइंग मार्केट है इंटरनेशनली एक लीडिंग किस्म की मिडिल क्लास है परचेजिंग पावर है और दुनिया के कॉरिडोर में अब जो उसका सोसू बढ़ता जा रहा है जो मंडी में उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है उसमें जाहिर है रूस एज एक्नॉमिक और पोलिटिकल पावर के अपना हिस्सा देख रहा है और ये जाहिर है कि एक रसी प्रोकल है जिसकी बुनियाद पे वो आए हैं उन्होंने कुछ लोगों की बेशक नाराज़गी भी मोल ली होगी सब कुछ किया लेकिन उनको अपना फ़ायदा और उसका पोटेंशियल नज़र आता है तो आप उनको दावत देते तो सबसे पहले तो आपने मसला कश्मीर निकाल के आगे रखना होता है टेबल पे अब जाहिर है हमें भी मसला कश्मीर हल होने से बड़ी हमदर्दी है बल्कि सबसे ज्यादा है हल होना चाहिए लेकिन अब यह है कि आप अपनी नस्लों को एक मसले की नजर करके दबाव बर्बाद नहीं कर सकते अब कौन आके आपकी कहानी सुनेगा पचास साल पुरानी सत्तर साल पुरानी कहानी सुनेगा और वो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा कि कोई जी यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं उन पर अमल करा दें वो जी इंडिया की मजम्मत कर दें वो जी फलाँ कर दें वो तो ये साबित करते हैं कि ना सिर्फ आपने अपना वक्त किया बल्कि आपने दुनिया का वक्त ज़ाया किया और दुनिया कब तक जो है वो आखिर आपकी ये राम कहानी जो है वो सुनती रहेगी कि जी वो करें अब आपने रूस को तो ये सुनने के लिए तो तैयार नहीं था ना कि आप इंडिया को कहें जी कि, कि कश्मीर जो है वो सिल्वर प्लेट में रख के हमें दे दे करारदादों के नाम पे रेफरेंडम के नाम पे रायशमारी के नाम पे या वहां तो तरह की बचकाना बातें सुनने के लिए कोई अपने कान आपको लैंड नहीं करेगा नहीं देगा कि ठीक है आप हमारे कान खाते रहें आप जितनी दावतें मर्जी देते उससे उनका निकलना क्या था सवाल तो ये है ना कि या तो, तो आप फायदा नहीं होना था ना इन बातों से